नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चला चाकू, पुलिस ने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां चाकूबाजी की घटना अब रीवा जिले में आम हो चुकी है। आए दिन जगह जगह चाकू चल रहा है। वहीं इस चाकूबाजी की घटना में कई मौत हो रही है तो कई लोग घायल हो रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र से है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनाया जा रहा था। इसी दौरान परिवार के ही लोगों ने अपने परिवार के ऊपर चाकूओं से हमला कर दिया, जिसमें पिता पुत्र घायल हो गए। घायल को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें पिता की हालत गंभीर है, पुत्र की मौत हो गई है। वहीं इस घटना पर पुलिस ने तत्काल ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। आपकी खबर हमारी नजर। कब की घटना है ये? सर 7:30-8 के बीच में। आज जी, आज शाम हाँ, ये शाहपुर थाना क्षेत्र का एक मामला है और इसमें प्रधानमंत्री आवास को लेकर निर्माण कर रहा था एक ही परिवार का मसला था, तो दूसरे परिवार के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद पर से लेकर अचानक ही ये विवाद बढ़ गया और विवाद बढ़ने के कारण जो आरोपी है, जिसका नाम है तस्लीम मोहम्मद अंसारी, ये चाकू लेके आया अंदर से और मारने का प्रयास किया। बाप बेटे दोनों पिता को मारने का प्रयास किया, लड़के ने बचाने की कोशिश की तो लड़के को चाकू लगा, जिसके कारण से लड़के की मौत हो गई। ये लड़के का नाम अफजालुल हक है और पिता अख्तर अंसारी। पिता को भी चोटें लगी हैं लेकिन पिता ठीक है अभी, और अब्दुल की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया है और 302 का प्रकरण पंजीबद्ध करके पुलिस विवेचना कर रही है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।